आई एम योर साइंस टीचर क्लास थर्ड. आई होप यू विल ऑल फाइन. तो बेटा सबसे पहले जो हमने रीडिंग करनी है, आप जो है बुक ओपन करें पेज नंबर 8 पर. तो बेटा ये हमारे लिए आज का जो टॉपिक है फ्रूट और वेजिटेबल्स है. हम इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है वो पढ़ेंगे वक्त की कमी की वजह से, ताकि हमारा लेसन जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो जाए. इम्पोर्टेंस ऑफ फूड ग्रुप्स. फूड ग्रुप की अहमियत क्या है या उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. फ्रूट्स इंक्लूड्स एप्पल्स, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगोज, ईटीसी. फलों में जो शामिल हैं सेब, अमरूद, अंगूर, नारंगियाँ, आम वगैरह. फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम एंड मिनरल्स. फल जो हैं विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम और मिनरल से भरे हुए होते हैं. तो बेटा ये जो लाइन है जो मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ तक, ये आप अंडरलाइन कर लें. अब हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ. दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कैरोट्स, टर्निप्स, ब्रोकली, टोमेटोज, ईटीसी. ये जो ग्रुप है सब्जियों का, इसमें शामिल है गाजर, शलजम, टमाटर, ब्रोकली वगैरह. वेजिटेबल्स आर हाई इन फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, जिंक एंड कार्बोहाइड्रेट. वेजिटेबल में फाइबर आ जाते हैं बेटा, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, जिंक और कार्बोहाइड्रेट. ये सारी चीज़ें हमारी वेजिटेबल्स में आ जाती हैं. तो बेटा अब जो हमारा काम शुरू होगा वो होगा 23rd डेट का. डेट आप डाल लें. टॉपिक है टीथ एंड फीडिंग. वी यूज़ अ टीथ टू कट एंड क्रश फूड सो दैट वी कैन स्वलो एंड डाइजेस्ट इट. कि हम अपने दांतों को जो इस्तेमाल करते हैं खाने को तोड़ने के लिए, फिर उसे चबा सकते हैं और फिर उसे हजम करते हैं. अब बेटा पेज नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अ ह्यूमन डेंचर. यानी इंसान के जो मुख्तलिफ दांत हैं, मुख्तलिफ इकसाम दांतों की. आवर टीथ लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे आर डिज़ाइन टू डू डिफरेंट थिंग्स. हमारे जो दांत हैं वो मुख्तलिफ दिखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनकी जो डिज़ाइन है वो मुख्तलिफ है. दीज आर द टाइप ऑफ टीथ. यहाँ पर जो है दांतों की इकसाम दी गई हैं. इनसीजर्स, इनसीजर्स. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इनसीजर्स के बारे में. द टीथ इन फ्रंट ऑफ आवर माउथ एंड द इजीएस्ट टू सी आर कॉल्ड इनसीजर्स. हमारे मुंह के सामने वाले दांत जिसे हमें देखने में भी आसानी है वो इनसीजर्स कहलाते हैं. बेटा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये देखें सामने वाले जो चार दांत हैं वो इनसीजर्स कहलाते हैं. ये थी बेटा यहाँ तक की इम्पोर्टेंट लाइन. अब हम पढ़ते हैं केनाइन की तरफ. द पॉइंटेड टीथ ऑन ईदर साइड ऑफ आवर इनसीजर्स आर कॉल्ड केनाइन टीथ. तो बेटा जो इनसीजर्स के बाद जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं केनाइन. आप तस्वीर में भी देख सकते हैं बेटा, देखें ये सामने वाले चार दांत हैं वो इनसीजर्स कहला रहे हैं और उसके बाद वाले जो दांत आ रहे हैं वो केनाइन कहलाते हैं. प्रीमोलर्स. नेक्स्ट टू आर केनाइन टीथ आर द प्रीमोलर्स. बेटा प्रीमोलर्स के बाद के जो दांत होते हैं वो केनाइन कहलाते हैं. ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, केनाइन के बाद वाले जो दांत हैं वो प्रीमोलर्स हैं. वी हैव 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम. यानी हमारे पास जो प्रीमोलर्स वाले दांत हैं वो 8 हैं, 4 जो है टॉप पर हैं और 4 उसके पीछे वाले हैं. अब बेटा हम इसकी इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ ली, अब हम आ जाएंगे मोलर्स पर. ये लाइन जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है सब अंडरलाइन कर लें, जो जो भी इम्पोर्टेंट है. मोलर्स. वी हैव 8 ऑफ दीज, 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम. हमारे पास जो मोलर्स दांत हैं, और बेटा आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मोलर्स जो है प्रीमोलर्स के बाद आ रहे हैं. प्रीमोलर्स के बाद वाले जो दांत हैं वो मोलर्स कहलाते हैं. और मोलर्स 8 होते हैं, 4 उनके टॉप पर होते हैं और 4 बॉटम यानी पीछे होते हैं. ये थी बेटा हमारी आज की रीडिंग. मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होगी. तो स्टूडेंट्स क्लोज योर बुक्स ना. तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी भी रीडिंग मैंने पढ़ाई आपको अच्छे से समझ में आई होगी. अपना काम जो है घर पर याद करें, समझें, और जो भी डिफ़िकल्टी हो आप स्कूल में आके हमसे पूछ सकते हैं.
अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।